नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कानून से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट हमारे द्वारा इस चैनल पर दी जाती रहती है। आज हम बात कर रहे हैं कोर्ट मैरिज और कोरोना काल, यानी कि इस कोरोना काल के अंदर कोर्ट मैरिज की क्या महत्ता है, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे बीते वकालत के कई वर्षों के अनुभव में और कोरोना काल के बाद के अनुभव में हमने कुछ बातें महसूस की है, वो आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप आम जनता को शेयर करना चाहता हूं। इस कोरोना काल से पहले हमने उदयपुर शहर में करीब 300 से अधिक कोर्ट मैरिज करवाई है, किंतु इस कोरोना काल के बाद हमने महसूस किया कि हमने 10 से अधिक ऐसी कोर्ट मैरिज करवाई है जिसमें राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों के और दूसरे राज्य के लोग उदयपुर शहर में आए और उन्होंने अपने बच्चों की कोर्ट मैरिज हमारे थ्रू करवाई। जब हमने उनसे चर्चा की कि जब आप माता पिता एग्री है तो आखिर क्या कारण रहा कि आप उदयपुर में शादी कर रहे हैं और वो भी कोर्ट मैरिज के रूप में कर रहे हैं, क्यों आपने पारंपरिक गतिविधियों का पारंपरिक रीति रिवाज से इनकी शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने मुझे बड़े ही सहज शब्दों में कहा कि हमारी शादियां तो पारंपरिक तरीके से ही होनी थी, किंतु कोरोना काल के चलते जगह जगह इंस्ट्रक्शन जारी है कि आप 50 से अधिक मेहमानों की गैदरिंग नहीं कर सकते। और इस अवस्था में जब 50 से अधिक मेहमानों की हम गैदरिंग नहीं कर सकते, वह हमको बिनोले भी करने हैं, खान पान के प्रोग्राम भी करने हैं, लोगों को इनवाइट भी करना है, और 50 से अधिक हम किन किन लोगों को बुलाए और नहीं बुलाए, यह एक संकट पैदा होता है और लोग उससे नाराज होते हैं, रिश्तेदार उससे नाराज होते हैं। यही कारण है कि हमने सोचा कि क्यों नहीं हम उदयपुर एक ऐसे शहर जिलों की नगरी जहां सपना होता है लोगों की शादी करने का, भारत देश के बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार्स, यहां तक कि विदेशियों ने भी आकर उदयपुर शहर को अपना वेडिंग जोन बनाया है और यहां शादी की है। इसी कारण हमने हमारे बच्चों की शादी करना उदयपुर में उचित समझा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुल मिलाकर दोनों माता पिता आ गए, बच्चों को ले आए, हाथों हाथ शादी की प्रक्रिया कर ली, हाथों हाथ मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश कर दिया और मैरिज सर्टिफिकेट जारी हुआ। न ज्यादा मेहमान बुलाने का डर, न किसी के नाराज होने का डर, न बिनोले के अंदर पब्लिक को बुलाने का डर, यानी कि कोरोना संक्रमण की पूरी रोकथाम, सरकार के गाइडलाइन की पालना और साथ में लाखों रुपए की बचत। तो यही पैसा जो हम बिनोले के रूप में खर्च करने वाले थे, मेहमानों के प्रति भोज के रूप में, उनके डिनर के रूप में जो हम खर्च करने वाले थे, जो अगर हम एक्सपेंसेस करने वाले थे, वह सारी राशि हम बच्चों को देकर उनके सुखद भविष्य के लिए हम उनको बतौर गिफ्ट दे रहे हैं। साथियों, वास्तव में उन 10 से अधिक लोगों ने जिन्होंने ये कोर्ट मैरिज करवाई, वो एक अनुकरणीय उदाहरण बने, क्योंकि कोरोना काल से पहले जब भी हमारे पास कोर्ट मैरिज आया करती थी तो अक्सर लड़के लड़कियां अपने माता पिता से छिपकर भागकर आते थे और शादी करते थे। लेकिन इस कोरोना काल में हमने देखा कि उन्हीं माता पिताओं ने इस बात को माना है कि कोर्ट मैरिज कराने से और कोरोना के जो गाइडलाइन है उसकी पालना के अंदर ज्यादा लोगों को अगर नहीं बुलाना है तो एक ही विकल्प है कि बच्चों की कोर्ट मैरिज करवा दी जाए, और कोर्ट मैरिज के अंदर जब परिवार सहमत है तो किसी प्रकार की कोई विवाद की बात ही नहीं है। तो कुल मिलाकर वह माता पिता जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, इस कोरोना काल में संक्रमण के प्रभाव से भी बचना चाहते हैं और लाखों रुपए के खर्चे से बचने के साथ रिश्तेदारों की नाराजगी से भी बचना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है कोर्ट मैरिज। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि लीगल कोर्ट मैरिज के अंदर ज्यादा लोगों को आने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल लड़का लड़की आए, उनके माता पिताओं की उपस्थिति हो गई और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य जो शादी है वह शादी की प्रक्रिया हो गई, और प्लस हाथों हाथ मैरिज सर्टिफिकेट जो उनके वीजा के लिए, उनके सरकारी जॉब्स के लिए और विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के लिए, आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए जिस भी प्रक्रिया हेतु आवश्यक है, वह सर्टिफिकेट भी हाथों हाथ बन जाता है। तो मेरा भी प्रत्येक माता पिता से, प्रत्येक अभिभावक से जो अपने बच्चों की शादी कराना चाहते हैं और सरकार
को भी सहयोग करना चाहते हैं कोरोना की इस विषम घड़ी के अंदर, अगर वो अपने बच्चों की शादी कराना चाहते हैं तो उनके पास एक बहुत ही बेहतर विकल्प है कि वो बच्चों की कोर्ट मैरिज करवाए और उसके प्रोसेस बहुत ही सामान्य होते हैं। सामान्य शादी की प्रक्रिया अपना के मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है, जिसमें मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। और यह शादी फुल मायने में पारंपरिक रूप से होने वाली शादी से कई गुना बेहतर, कानूनी रूप से कम खर्चीली और भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होती है। तो यह संदेश सभी अभिभावक को है। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।